हाँ, आज हम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक या कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल के रिलेटेड। आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। इन्हीं के साथ हम ये कुछ एक्टिविटीज करेंगे। होप आप हाई करो, सभी करो हाई। ओके, सो देखो कितने क्यूट खुश लग रहे हैं। सो आर यू रेडी टू डू दीज एक्टिविटीज? Yeah, I can do it. Yes. यू कैन डू इट? Yes. ओके, सो यू ऑल कैन डू दीज एक्टिविटीज। सो हम आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना? Yes, sir. तो ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं बता। तो ये हमारी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किंडरगार्टन क्लास है। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके साथ हम एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये हमारी आज का डेट है और एक्टिविटीज रिगार्डिंग फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल विद किंडरगार्टन चिल्ड्रन JMS न्यू कॉलोनी पुलवामा। ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है। तो हम ये एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करेंगे। होप आप भी ये अपने बच्चों के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी वो एक्टिविटीज है जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल एक्टिविटीज, और इसके साथ जाएगा आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। तो ये मैंने एक्टिविटीज का लिस्ट बनाया हुआ है, तो जो हम बच्चों के साथ अभी कर रहे हैं। तो हमारा पहला एक्टिविटी जो जाएगा वो सैंड राइटिंग और पेंटिंग एक्टिविटी। याद रहे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल एक्टिविटीज हम राइटिंग से पहले बच्चों के साथ करते हैं, वो बच्चों के साथ जिनका लिखने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और लिखने से पहले हम उनके फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाते हैं। फाइन डेवलपमेंट स्किल क्या होता है कि बच्चों के छोटे छोटे फाइन मसल्स जो है उसको डेवलप करना। आपको पता होगा कि जब छोटे बच्चों को हम पेंसिल थमा देते हैं तो वो लिख नहीं पाता है, क्योंकि उसके फाइन मोटर, उसकी मसल्स जो ये उंगलियों के मसल्स, वो ज़्यादा ग्रो नहीं हुए होते हैं। तो खासकर ये जो राइट हैंड के ये तीन, जैसे थंब है, जैसे ये पॉइंटर है, जैसे ये मिडल फिंगर है, तो ये तीन जो उंगलियों का बहुत काम होता है लिखने का। तो इनका जो मसल डेवलपमेंट या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो राइटिंग से पहले हम बच्चों को ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा, तो ये इन एक्टिविटीज से जो हम फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आपको दिखाने जा रहा हूँ बच्चों के साथ, तो इनसे ये डेवलप होते हैं। तो उसके बाद हम राइटिंग शुरू कर देते हैं। तो हाँ बच्चा, कौन सबसे पहले आएगा? क्या नाम है बेटा? शमीमा। शमीमा मेरे साथ ये सैंड राइटिंग और पेंटिंग एक्टिविटी करेगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है सैंड, और ये भी जो है जो वेस्टेज ट्रे है तो उसमें मैंने सैंड डाला हुआ है। तो शमीमा इधर आ जाओ बेटा, तो हमें क्लास में ही कर रहे हैं। शमीमा मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स है, जैसे ये मुझे बता सकते हैं ये क्या है? बी। बी, वेरी गुड। तो मैं ये बी यहाँ पे रख देता हूँ सैंड ट्रे में, और आपको मुझे उंगली से, कौन सी उंगली से? ये जो पॉइंटर है इससे मुझे आपको ये बी इस सैंड पे लिख के देना है। आप लिख पाओगे? जरा बेटा लिखो। आप देखिए आप कितने अच्छे से इसने लिखा। ये छोटी शमीमा थोड़ी छोटी बड़ी है, ये UKG में पढ़ती है, तो यहाँ पे इसने लिख दिया। ये तो राइटिंग भी कर लेती है, लेकिन उस बच्चे के साथ आप ये राइटिंग करेंगे जो जिसको अभी लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप अभी इधर आ जाओ, ये है बी। क्या है? बी। क्या है बेटा? बी। जरा मुझे आप भी ये ड्रॉ करके दे दो, ये बी कैसे लिखते हैं इस पे सैंड पे पॉइंटर से। हाँ, गुड गुड। ये अभी हमारा जो है बिगनर है, तो बिगनर को ये भी लिख पाता है जिसको हमने पेंसिल कुछ भी नहीं थमाया, बस ये सैंड राइटिंग कर रहा है। तो और कौन नेक्स्ट करेगा बेटा? आपको बेटा ये क्या है? टू। जरा मुझे ये टू, ठहरो एक सेकेंड, ये मुझे आप बना के दे दो। टू, क्या है ये? टू। टू कितने होते हैं? दो। दो, वेरी गुड। तो आपने देखा ये सैंड राइटिंग जो है वो हम बच्चों को, ये क्या है बेटा? ये ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। जरा आप मुझे ये ट्रायंगल बना के दे दो बेटा। ये बन गया आपका ट्रायंगल, वेरी गुड। तो आपने देखा कि ये सैंड एक्टिविटी हम बच्चों के साथ कैसे ये कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे।
तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी होगी वो होगी लेसिंग। लेसिंग जो है उससे क्या हो जाता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो जाता है बच्चों का, और उससे बच्चों का ये जो आई और ये हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल उससे बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हमने क्या, मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्टोरी के लिए एक कछुए और जो हमारा हेयर एंड टॉर्टाइज का वो फेमस स्टोरी है वो मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, इससे मैं स्टोरी बताता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैं लेसिंग का कंसेप्ट दूंगा। लेसिंग मैंने यहाँ पे जो फेविकोल है, फेविकोल से मैंने ये आर लिखा हुआ है, आर में यहाँ पे रेस कंप्लीट करूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे आर ले रहा हूं। तो मैं बच्चों को बोलूंगा शमीमा ये बेटा ले लो अब, तो ये बच्चे को मैं बोलूंगा कि इसको आपको लेसिंग करना है। बेटा ये क्या है बनाया मैंने, आर। तो जहां जहां से ये आर है वहां वहां से आप ये धागा उस पर चिपकाओ, बेटा चिपकाओ, जहां जहां से दाग ये आर लिखा है वहां वहां से आपको ये चिपकाना। आप देख सकते हैं कि बच्चा कितने अच्छे अंदाज से ये चिपका रहा है और ये लेसिंग हो रही है। हाँ अब वापस ले जाओ, हाँ गुड, हाँ तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से लेसिंग, और इसका आप देख सकते हो कि आई और हैंड का एक कोऑर्डिनेशन भी बढ़ गया, और ये थोड़ा सा ये छोटी है इसको नहीं आएगा, आप इसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो ये आप ऐसे ले जाओगे, ठीक है, तो गुड। देखो इसने कितना अच्छा लेसिंग किया, तो ऐसे ही रेस जब ये कंप्लीट बनेगा तो आप देखो ये कितना अच्छा लेसिंग बन जाएगा। तो ये हमारा एक्टिविटी है जो हम बच्चों के साथ करते हैं जिससे कि इनका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, और आई हैंड का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम बच्चे को राइटिंग के लिए ले जाएंगे जब उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हमारी एक एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हमारा जो तीसरा एक्टिविटी है वो है वर्किंग विद बीट्स। तो बीट्स के साथ भी हम बच्चों को, ये हमारे कुछ बीट्स है और ये हमारा एक्टिविटी है वर्किंग विद बीट्स। तो इसमें हमारा क्लासिफिकेशन एंड सॉर्टिंग भी हो जाएगा, इसमें हम काउंटिंग भी कराएंगे बच्चों को, तो इसमें जो है बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये उंगलियों से इसको उठाना होगा, अगर ये उठाएगा तो दैट मीन्स कि इसकी एक्सरसाइज हो रही है और इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन मतलब इसको इसमें डालना है। तो बेटा कौन है, हबील, तो आप मुझे ये जो ग्रीन वाले बीट्स है ना वो मुझे आप स्टिक्स में डाल दो, किसी में भी डाल दो, जिसमें हाँ जिसमें आपकी मर्जी। तो तब तक आप जो है, आप ये जो रेड वाले है ना लाल कलर के वो दूसरे में डाल दो, शमीमा आप वहां से डाल दो रेड वाले, एक एक करके डाल दो, सभी डाल दो, आपको भी करना है, हाँ अभी मैं आपको कराऊंगा दूसरा, हाँ डाल दो, गुड। देखो ये डाल रहे हैं सारे बच्चे, बिजी हैं, करो सारे कंप्लीट। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टार्टर है ये, बिगनर्स, तो बिगनर्स से हम ये इनको एंगेज भी करेंगे, एक्टिविटी भी हो रही है, कलर कंसेप्ट भी हो रहा है। हबील ये कौन सा कलर डाल रहे हो आप, ग्रीन, ग्रीन। शमीमा आपने कौन सा कलर डाला इसमें, रेड, गुड। तो कलर कंसेप्ट भी हो रहे हैं, बच्चे एक्टिविटी के साथ भी बिजी हैं, काउंटिंग भी हो रही है। शमीमा आपने कितने बीट्स डाले, चार, चार को क्या बोलते हैं, फोर, गुड। सत्यम आपने कितने डाले, ये ग्रीन वाले कितने हैं, इसमें कितने ग्रीन वाले में कितने हैं, दो, गुड। आप देखो, तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये एक्टिविटी कर रहे हैं, देखो मेरा बच्चा भी ये कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे इसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ जाती है और एक्टिविटी की एक्टिविटी भी हो रही है और फाइन मोटर डेवलपमेंट भी ये हो रहा है। कौन सा कलर डाल रहे हो अभी, ग्रीन, वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो हमारी एक और एक्टिविटी आ रही है जो हम बच्चों के साथ करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन यूजिंग पल्सेस, बीट्स, सीरियल्स या जो भी आपके पास आइटम्स होंगे उनको बिल्कुल एक साथ मिक्स करना चाहिए। आपके पास पल्सेस होंगे, बीट्स होंगे, सीरियल्स होंगे, स्टोन्स होंगे, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। मैं ये भी फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए है एक्टिविटी। मैं यहाँ पे कुछ मिक्सचर ले रहा हूँ, मैंने लिए हैं बीट्स, मैंने लिए हैं पेंसिल जो हमारे सेल्स होते हैं,
जो मैंने स्टोन्स कुछ लाए हुए, मैंने तीन कैटेगरीज लगाए, आप पांच भी लगा सकते हो, एट भी, स्टार्टर के साथ आप दो तीन के साथ ही करें। जैसे कि ये हमारी स्टार्टर बच्ची है, क्या नाम है बेटा? शिवम। शिवम आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पत्थर है ना, यहाँ पे सेल भी रखे हैं, यहाँ पे स्टोन भी है। आपको पत्थर वाले जो है ना सारे उठाने हो, एक डिब्बे में डालने हैं। ये जो ये बीट्स है ये आपको एक डिब्बे में डालने हैं, और सेल्स जो है वो एक डिब्बे में डालने हैं, ठीक है ना? तो डाल दो जल्दी जल्दी। देखिए एक ही है, राइट हैंड से, राइट हैंड से एक ही हाथ से ये नीचे करो। तो शिवम उठा रही है, आप देख सकते हो ये उंगलियों का काम कर रही है, हैंड का काम कर रही है, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल हो जाता है। और साथ साथ ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन, देखो आई भी घूम रही है, और ये जो है वो, हाँ गुड गुड गुड, डालो डालो अपनी अपनी कैटेगरी में। देखो क्लासिफाई भी कर रही है, जब ये बड़ी हो जाएगी थोड़ा सा इसको क्लासिफिकेशन कंसेप्ट भी मिल जाएगा। देखो अपने अपने बॉक्सेस में, ये बॉक्सेस जो है मिठाई के डिब्बे हैं तो, या वो मशरूम के डिब्बे हैं, तो ये मैंने यूज किए हैं फॉर क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हो कितने ब्यूटिफुली इसने क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया। तो ये हमारा एक्टिविटी है जो हम इसको फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए देंगे, हम एक और एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। नाम है बेटा? आयुष कुमार। ओके तो बेटा जरा आप ये एक्टिविटी, आयुष कुमार बोलता है कि मैं भी ये क्लासिफिकेशन एक्टिविटी करूंगा, जरा बेटा आप करो जल्दी जल्दी से करो। शाबाश, गुड बॉय। आप देख सकते हो आई भी घूम रही है, हैंड भी घूम रहा है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश, डाल दो डाल दो, वेरी गुड, अपने अपने ग्रुप में। हाँ ये दूसरे इस दूसरे वाले में डाल दो, बस इसको क्लैप करो जोर से, ये बहुत अच्छा एक्टिविटी किया, तो गुड मिलेगा, ठीक है? तो हमारी नेक्स्ट जो है एक्टिविटी फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल के लिए, वो है स्प्रे प्रिंटिंग और पेंटिंग। तो ये स्प्रे प्रिंटिंग और पेंटिंग जो है बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत सारे क्रिएशन इसमें कर सकते हो और बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप इसको ब्रश से, जो टूथब्रश है यूज्ड टूथब्रश, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरा पड़ा हुआ था स्प्रे, ये दवाई कुछ थी तो मैंने वो जब खत्म हो गई तो बोतल ऐसी रख दी, तो इसमें मैंने डाला है कलर, कलर मैंने डाला है वट एवर, जो भी आपको कलर पसंद, इसमें ब्लैक कलर डाला हुआ है क्योंकि इस पे स्प्रे जाएगा। तो मैम क्या नाम है बेटा? अमरजीत। ओके अमरजीत, बहुत अच्छा बच्चा है। तो मैं अमरजीत के साथ, ये अमरजीत आप अपना हैंड लाओ, राइट हैंड अपना हाथ लाओ, और जो हाथ है वो इसको ऐसे रख दो, ठीक है ना, ऐसे पूरा रख दो। तो ये मैं उंगलियों के साथ, तो ये दूसरे बच्चे जो है मैं फिलहाल कर रहा हूँ, फिर दूसरे बच्चे भी इसको करेंगे, तो ये उंगली का सहारा लेंगे, और क्योंकि ये हैंड का ही फाइन मोटर डेवलपमेंट, इससे ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये स्प्रे हो जाएगा। आप देख सकते हैं, डरो नहीं बेटा, आप देख सकते हैं कि मैं स्प्रे कर रहा हूँ पूरा पेपर पे। ये हम इसमें वाटर कलर्स है तो इसको बाद में धोएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? इसको नीचे ऐसे कर दो, हाँ हाँ ऐसे, ठीक है ऐसे बेटा रख दो। आप देख सकते हो कि इसमें स्प्रे हो गया, अब ये धीरे धीरे करके ये हाथ उठाएगा, जरा उठाओ, गुड, देखा कितना अच्छा ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है? देखो ये इसका हैंड प्रिंटिंग जो है वो बहुत बिल्कुल सामने आया, बिल्कुल ऐसे ही कोई एप्पल का आउटलेट करके, सभी करेंगे, हाँ सभी सभी करेंगे। अब बेटा बाहर जाओ और इसको हाथ धो धो के आ जाओ, ठीक है ना, जब तक ये सूख जाएगा, फिर इसको आप अपना इनका नाम लिख सकते हैं, आप ये नोटबुक पे जो ये पेज लिखते हैं तो उस पे, जैसे कि एप्पल का, जैसे कि फ्रूट्स का, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स का, कुछ भी किसी का भी आप ये आउटलाइन देखे, फिर ऊपर से स्प्रे करके वो उठा के उसमें वो आ जाएगा। ये हमारा स्प्रे प्रिंटिंग था, तो ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट और ये हाथ से बना हुआ, ठीक है ना, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है इसका। हमारे पास एक और एक्टिविटी है वेजिटेबल पेंटिंग। वेजिटेबल तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइडलाइंस दे देता हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल है, चाहे भिंडी लेडी फिंगर होगा, चाहे वो आपके पास ऑनियन होगा, प्याज होगा, चाहे आपके पास गाजर है, चाहे आपके पास कुछ भी कोई भी वेजिटेबल पड़ा हुआ है, तो उसको आप काट के उसमें थोड़ा सा कलर करके, जहां पे भी आप हाथ से, तो बच्चा कलर करेगा और हाथ से ऐसे ऐसे प्रिंटिंग करेगा, चाहे वो एप्पल बना रहा हो तो इसमें रेड कलर प्रिंटिंग करेगा, वेजिटेबल प्रिंटिंग, चाहे लेसिंग दे रहा है तो वेजिटेबल प्रिंटिंग करेगा, तो इससे बच्चे का
ये फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो इन उंगलियों का वो बिल्कुल हो जाता है। अगर मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी, हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज भी है, जैसे हमारे पास एक और है कटिंग एंड पेस्टिंग। कटिंग एंड पेस्टिंग जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट की बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक पेपर ले रहा हूँ, पेपर में मैं ड्रॉ करूंगा लाइक मैं बॉल करूंगा ड्रॉ, ओके। कोई भी, मैं आप यहाँ पे एक सैंपल दिखाऊंगा, तो मैं एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बॉल ड्रॉ किया, तो इस पे मैं अभी मल्टी कलर स्केच लगाऊंगा या मल्टी कलर्स लगाऊंगा। तो यार बच्चों से ही कराओगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बच्चे ही इसको कलर करके देंगे आपको, तो आप देख सकते हो बच्चे ही इसमें कलर भर रहे हैं। तो ये इसमें कलरिंग है, इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट भी आ जाएगा और इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आएगा, क्योंकि इनको लाइन से बाहर नहीं जाना है, अंदर ही बिल्कुल करना है। तो जब ये खत्म करेंगे तो फिर हम ये एक्टिविटी शुरू कर देंगे। देखो बहुत सारे बच्चे एक बॉल को कलर कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, और कितने मस्ती के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ ही कलर कर रहे हैं। तो कलर हो गया, तो अब हम इसको, जैसे कि हमारे इसका नाम है, एक्टिविटी का नाम है कटिंग एंड पेस्टिंग, हम बच्चों से ही इसको क्या करेंगे, कटिंग कराएंगे। तो कटिंग मैं बच्चों को एक सीजर दे रहा हूँ, लेकिन बड़ी सीजर है, मेरे अपनी सीजर है। तो मेरी एक छोटी सीजर भी आती है, रबर सीजर, जो हम बाजार से खरीद सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छी कटिंग होगी। तो हम बच्चों से ही इसको कटिंग करें। बेटा आपको इसको बॉल को बिल्कुल लाइन से, आप देख रहे हो कि बच्चा जो है वो आंख भी चला रहा है और हाथ भी चला रहा है, अब देखो कितना अच्छे से ये कटिंग कर रहा है। तो बच्चों से ही आपको ये कटिंग कराना है, ताकि आपकी जो एक्टिविटी है उसमें वो पूरा बेनिफिट मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए, फाइन मोटर डेवलपमेंट। आप देखो ये कितना गोल गोल अच्छे से इसको काट रहा है, तो पूरा इसने ये काट दिया है, तो ये बिल्कुल बॉल है। तो अब कटिंग तो हो गया, अब बच्चों से ही इसको पेस्टिंग भी कराना है, क्योंकि ये कटिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी है। तो कटिंग भी हो गया, सत्यम ये ले लो हाथ में। अब जैसे देख रहे हो कि ये बच्चों की ही नोटबुक है, मैं बच्चों को फिर बाद में राइटिंग भी करा लेता हूँ, लेकिन राइटिंग से पहले ये एक्टिविटीज भी मैं इसमें डाल देता हूँ आपके नोटबुक में। ये बात की जैसे मैचिंग, तो मैं अभी ये एक्टिविटी जो है, जो हम कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे बेटा आपको मैं दूंगा गम, ठीक है। तो आप इसको इसको टर्न करो, इसको टर्न करो, यहाँ पे रख दो, टर्न करके ऐसे उल्टा करके मैं इसमें डाल दूंगा गम ऐसे। तो मैं बच्चों को बोल दूंगा बेटा आप ये उठाओ, उलट करो और यहाँ पे इसको चिपकाओ, गुड। तो क्लैप करो। तो इसने जब यहाँ पे चिपकाया, तो दैट मीन्स ये पेस्टिंग हो गया, हमारा कटिंग भी हो गया, हमारा पेस्टिंग भी हो गया। अब क्या काम है, अगर आप पेज भी देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी बड़ा सा, बड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बी फॉर लिखेंगे साथ साथ। तो बॉल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉल का शेप बन गया। तो ये हमारा एक एक्टिविटी बुक बन गया, बी फॉर अ बॉल, ये हमारा कटिंग एंड पेस्टिंग आ गया एक्टिविटी का नाम। और यहाँ पे आप फिर जब आप राइटिंग करोगे तो आप बी बी डी यहाँ पे दे सकते हो, जिससे कि बच्चे का फिर राइटिंग स्किल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे ये बी बी लिखेगा, अब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये बन गया, और जब ये पेरेंट देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा हमारी ये एक्टिविटी देखे, कटिंग एंड पेस्टिंग। और हमारा काम जो है मेन फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल डेवलप करना, वो भी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग जो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, उससे बच्चों की फाइन मोटर डेवलपमेंट का एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ पेपर फोल्डिंग कैसे करते हैं। क्या देखो, पेपर फोल्डिंग मैंने यहाँ पे स्केच शीट लिया है, स्केच शीट में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पेपर फोल्डिंग करना होगा, जैसे मैं बना रहा हूँ, मुझे बनाना है फिश, या मुझे बनाना है क्या बनाएंगे, मैं बनाऊंगा डॉग, मैं इसको ट्रायंगल बनाऊंगा, और ट्रायंगल को मैं ऐसे ये ऊपर से कान बनाऊंगा, टर्न करूंगा, और ये मेरा इसका सिर बन गया। सिर को मैं आधा नीचे लाओ, इधर
इसको मैं ऐसे आंखें बना रहा हूँ। देखो मैं बना रहा हूँ डॉगी, ये बच्चे भी बनाएंगे बाद में, लेकिन पहले इसको आपको सिखाना है। यहाँ पे मैंने ये बनाया, अभी मैं एक और पोर्शन ले रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही स्क्वायर टाइप में ले रहा हूँ, और इसको भी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, लेकिन इसको मैं रखूंगा ऐसे ही। तो इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे बेस बनाऊंगा। अब देख सकते हैं कितना अच्छा ये डॉग बन गया, बन गया ना डॉग। तो ये डॉग जो है मैं बिल्कुल, ये मेरा पेपर फोल्डिंग का एक्टिविटी है, बच्चे भी ऐसे बनाएंगे, बच्चे बिल्कुल बनाते हैं इसको, फिर कलर भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको भी पीछे से थोड़ा सा गम लगा के बच्चों को ही बोलूंगा कि इसको पेस्ट करें, ठीक है। तो बेटा इसको पेस्ट करो, ये ले लो और इसको पेस्ट करो यहाँ पे। अब देखो कितना ये अच्छे से पेस्ट कर रहे हैं, और ये बनाएंगे भी, जब ये आप बना के बताओगे इनको तो ये बनाएंगे भी। तो यहाँ पे मैं पेपर फोल्डिंग में यहाँ पे लिखूंगा, पेपर फोल्डिंग, एक सेकंड में आपको भी कराऊंगा ना, पेपर फोल्डिंग डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर अ डॉग। ये यहाँ पे बिल्कुल राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खाली ये कंसेप्ट देंगे पेपर फोल्डिंग का। अब देखो कितना ब्यूटीफुल एक्टिविटी है ये, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स दे सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना ये ब्यूटीफुल बना है। तो उसके बाद हम जा रहे हैं टीयरिंग एंड पेस्टिंग पे। तो टीयरिंग एंड पेस्टिंग भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं आपको बताता हूँ कि टीयरिंग एंड पेस्टिंग का बच्चों से कैसे कराएंगे। टीयरिंग का मतलब है कि हाथ से काटना, एक होता है कटिंग, कटिंग हम करते हैं मेनली सीजर से, लेकिन टीयरिंग जो हम करते हैं वो हाथ से करते हैं, एंड पेस्टिंग जो है वो हम फिर इससे जो हमारा गम है वो पेस्ट कराएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टीयरिंग एंड पेस्टिंग जो है वो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे बना रहे हैं कैट, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे नोटबुक पे ही, बिल्कुल ये गोल बना रहे हैं हम, इसके हॉर्न्स बना रहे हैं कान, ये इसके बना रहे हैं आंखें, ये इसके बना रहे हैं नोज, ये इसके बना रहे हैं माउथ, ये इसके बना रहे हैं विस्कर्स जो मूछें हैं कैट के। अब हम इसकी बेस बनाएंगे, बेस आप ऐसे लेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगी। इसकी हम पूंछ बनाएंगे टेल, इसके हम पैर बनाएंगे ऐसे, तो ये हमारी बन गई कैट। अब इसको कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, तो कलर के बजाय आप बच्चों को बोलेंगे बेटा आप इसको ऐसे टियर करो। ये टियरिंग ऐसे होता है जब ये हाथ से ऐसे काटेंगे, इसको बनाना है हाथ से काटना है, फिर ऐसे गोल गोल बनाना है, ठीक है। बना के दो जल्दी जल्दी सभी, ये आप बनाओ इसको, बनाओ 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 सभी, आप भी टियर करो। बच्चों को आप टियरिंग के लिए ये कागज दोगे, कलर कागज भी दे सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट भी, ऐसे ऐसे बनाओ जल्दी जल्दी, और अपनी जगह, अब हाँ ये लो बेटा अपनी अपनी जगह जमा करके रखो। तब तक क्या करूंगा, ये टीयरिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी का नाम ही टीयरिंग एंड पेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे गम लगा रहा हूँ। अदान इसकी तरफ दिखाओ, तो मैं यहाँ पे बेस जो कैट की इस पे गम लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को इसको पेस्ट करना है। ये जो टीयरिंग कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, इनको पूछ पे भी डालेंगे। तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आप देखो इसकी तरफ दिखाओ बेटा, दिख रही है सर? हाँ आप देख रहे हो, तो हो गया। हाँ इसको आप इसको लगाओ, लगाओ इसमें सभी, ये जो छोटे छोटे बनाए ना इसमें चिपकाओ, आप देखो हाथ से ये ऐसे चिपका रहे हैं, डाल दो डाल दो डाल दो, गुड। अब देखो उंगलियों का एक्सरसाइज हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, क्योंकि बराबर इसको डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ डाल दो बेटा सभी, आपने किया सर। हाँ देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। आप इसको फिर ऊपर से बच्चे इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। ये हमारा टीयरिंग एंड पेस्टिंग हो गया, टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी है जिससे फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल हो जाता है। अगर हम इसको ऊपर से ऐसे देखो स्प्रे भी डालेंगे,
तो कितना ब्यूटीफुल ये बन जाएगा। तो ये हमारा जो फाइन मोटर डेवलपमेंट टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके बाद हमने इसमें स्प्रे भी डाल दिया, तो कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो ये स्प्रे इसमें थोड़ा सा पहले आपको इसको कवर करना है, फिर आपको स्प्रे करना है। ये मैं जस्ट आपके लिए थोड़ा सा हेल्प दे रहा हूँ। अब हमारी एक और एक्टिविटी जो है लास्ट नहीं है, इसमें बहुत हजारों एक्टिविटी है, सैकड़ों एक्टिविटी है, लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज में दिखा रहा हूँ आपको, जो आप अपने बच्चों के साथ घर में या अपने स्कूल में कर सकते हो। मेरा लास्ट है थंब प्रिंटिंग एक्टिविटी, बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है। थंब का काम होता है मेन, तो इसमें थंब का जो डेवलपमेंट होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। बेटा अब इसको ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ डॉग। सपोज मैं बनाऊंगा डी ओजी डॉग, नहीं मैं बनाऊंगा डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग। गुड, बड़े बच्चे इनको पता है। मैं आपको एक टेक्निक भी दिखाऊंगा कि आप डॉग कैसे बना सकते हैं। पहले लिखेंगे आप एस, अभी नजर रखो बेटा, आप नजर रखो, देखो एस एस, पहले लिखा एस, फिर लिखा एस, फिर लिखा थ्री, फिर और लिखा एस एस थ्री, ठीक है, एस एस थ्री, एस एस थ्री दिखा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिलाना है, ये एस की टेल को ये एस की टेल के साथ मिलाना है, फिर यहां से ये 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 वाला मिलाना है, फिर यहां से ये वाला मिलाना है। इसको आपको आंखें बनानी है, उसको कलर कर, ठीक है। तो इसमें आप टेल भी बना सकते हो, तो इसमें आप इसमें बॉल भी बना सकते हो। इसमें देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल क्या बन गया, डॉग बन गया, डी फॉर डॉग, और वो भी हमने कुछ लेटर्स से कुछ नंबर से ये बनाया, तो ये हमारा डॉग बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, थंब प्रिंटिंग, क्या करेंगे, थंब प्रिंटिंग। थंब प्रिंटिंग कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अदनान आप इसकी तरफ दिखाओ, मुझे अभी करना है। हाँ, देखो मैं इसमें डाल दूंगा इसको कलर, थंब पे थंबे मैं ऐसे इसको कलर डालूंगा, तो इसको ये क्या करेगा, इस पे ये छक्का मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा, और सर मुझे मैं कराऊंगा बाद में मेरा बच्चा, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, देखो कितना अच्छा थंब प्रिंटिंग हो रहा है। तो थंब प्रिंटिंग आप इसको कलर भी बना सकते हो, मैं इसमें ब्लैक कलर डाल रहा हूँ। हाँ मैं कराऊंगा, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे जिद कर रहे हैं कि मुझे भी कराओ, मुझे भी कराओ, क्योंकि इनको ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आप इनको एंगेज कर सकते हो। तो ये हमारा डॉगी का थंब प्रिंटिंग हो गया। तो थंब प्रिंटिंग भी ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि थंब जो है पूरा इसमें मजबूती आ जाती है, ठीक है। तो थैंक यू अदनान। तो ये हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज हमने किए बच्चों के साथ, जिससे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट तो बाद में हो जो करेंगे, लेकिन फाइन मोटर डेवलपमेंट और आई हैंड कोऑर्डिनेशन। बेटा मजा आया, यस सर मजा आया, यस सर। गुड, सो हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और इसमें कुछ एक्टिविटीज जो हम ऐड कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ और एक वीडियो में शेयर करूंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ये अपने बच्चों के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करेंगे ऐसे एक्टिविटीज, और टीचर्स के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को फायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, इंशाल्लाह वी विल मीट विद अनदर एक्टिविटीज। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।